हेलो संस्थान हरदीश। यस एवरीबॉडी, एग्जांपल नंबर 11, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। इट सेज अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। अगर आप इस फिगर को नोटिस करिए, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है जिसकी लेंथ 9 किलोमीटर है और जिसकी ब्रेथ 4.5 किलोमीटर, काइंड ऑफ अ जंगल दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। आपके इस जगह पे अगर नोटिस करो, एक लेक दे रखी है, सही है, गॉट इट। अब इसकी डायमेंशंस नहीं दी गई, बट ये डायमेंशंस दे दी गई है 2 किलोमीटर और ये डायमेंशन दे दी गई है 6 किलोमीटर। तो आप सब लोग लेक की डायमेंशन निकाल सकते हो, ये कितनी होगी 3 किलोमीटर, वेरी नाइस। और ये कितनी होगी, है तो दोनों रेक्टेंगुलर रीजन है, यस और नो, श्योर। अब क्वेश्चन समझिए, कहता एक हेलीकॉप्टर मिस हुआ, लगता है इस पूरे एरिया में गिरा होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस लेक में गिरा हो। वेरी गुड, तो प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर फेल इन लेक इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होल फील्ड। सही है बेटा, एरिया ऑफ लेक क्या बना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये क्या बना, 9 × 4.5। क्या बात समझ आई, कभी मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट ना करो, हमें तो फाइनल आंसर से मतलब है। डेसिमल से डेसिमल कट, 3 1s are 3, 3s are 5, 5s are 5, 9s are, तो आंसर क्या बना बेटा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट फेल इन साइड द लेक इज 5/8। और अगर कोई पूछ ले इट डज नॉट फेल इन साइड द लेक, सो 1 - 5/27। सही है जी, करिए नोट।